नमस्कार, मैं आपका वीडियो मित्र कपिल। अपनी पिछली वीडियो निर्माण प्रशिक्षण श्रृंखला में हमने अलग अलग प्रकार के शॉट्स को देखा, सीखा और समझा था। तो आइए चलते हैं, वीडियो निर्माण के बारे में और ज्यादा बातें सीखते हैं। आज हम इस वीडियो निर्माण प्रशिक्षण श्रृंखला के माध्यम से ये सीखेंगे कि एक सीन क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी सीखेंगे कि एक अच्छे सीन के लिए क्या क्या जरूरी होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीन वीडियो या कहानी का वो भाग होता है जो एक ही जगह पर और एक ही समय पर हो रहा होता है। अलग अलग तरह के शॉट्स के क्रम को मिलाकर एक सीन बनता है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कई अलग तरह के शॉट्स लिए गए, इसी तरह के अलग अलग शॉट्स के क्रम को मिलाकर एक सीन बनाया जा सकता है। शॉट्स का यह क्रम इतना सरल होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखे तो उसे देखकर आसानी से उसका अर्थ समझ सके। उदाहरण के तौर पर दीदी का वार्तालाप एक सीन हो गया, क्योंकि ये एक ही जगह यानी दीदी के घर और एक ही समय पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह अलग अलग शॉट्स को जोड़ा जाता है और किस तरह सीन बनाया जाता है। नमस्ते। नमस्ते दीदी। अरे प्रीति दीदी, क्या हुआ, उदास कैसे बैठे हो आप? क्या करूं दीदी, पिछली साल भी मूंगफली की फसल बोई थी तो पूरी तरह खराब हो गई, और अब की बार भी बोने के लिए सोच रही हूं बोऊं या नहीं बोऊं। फसल खराब हो गई, आपने बीज उपचार नहीं किया था क्या? नहीं दीदी, बीज उपचार के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, आपकी फसल खराब हो गई, लेकिन अब की बार आप जो फसल बोओगे उसके लिए हम बीज उपचार विधि बताएंगे आपको। मूंगफली का बीज उपचार करके जो फसल बोओगे उससे आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मूंगफली के बीज को उपचार करने के लिए मूंगफली के बीज और बीजामृत लगता है, क्या आपके घर में है? नहीं दीदी, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है दीदी, आप यहाँ बैठो, मैं घर जाकर मूंगफली के बीज और बीजामृत लेकर आती हूँ। अच्छा दीदी। ऐसे ही कई अलग सीन हो सकते हैं, हमें कहानी के हिसाब से सीन बनाने होते हैं। जैसे शुरुआती सीन के लिए हम गांव का परिवेश दिखा सकते हैं या किसी के घर का माहौल दिखा सकते हैं। एक अलग सीन ये हो सकता है जिसमें हम किसी की बातचीत दिखा सकते हैं, लोगों को खेत में काम करते हुए दिखा सकते हैं, या कोई प्रक्रिया दिखा सकते हैं, या कोई दीदी किसानों को कोई संदेश दे रही है। हमें हमेशा अलग अलग तरह के शॉट्स लेने चाहिए, इससे वीडियो को देखने में नीरसता नहीं आती और साथ ही देखने वाले को ऊब नहीं होती। अलग अलग शॉट्स लेने से और उनको जोड़कर सीन बनाने से हम उन पहलुओं पर जोर दे पाएंगे जिन्हें हम अपने वीडियो में शामिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग उपयुक्त और उचित शॉट्स लेने से हमारा सीन और ज्यादा दर्शनीय हो जाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं एक सीन शूट करके बनाने की।